कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू को मारने का दावा झूठ निकला। पुलिस की फायरिंग से फैक्ट्री मुलाजिम जान बहक, चारों अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। लवाकिन और इलाका मकीनों का बड़ी तादाद में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के बाहर एहतजाज। ऐसे हादसात की वजह करप्शन और गैर कानूनी आबादियां हैं, गफलत के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, सूबाई वज़रा एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ऐलान कर दिया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं तजावुजात के खिलाफ मुतफ़िका हिकमत अमली की ज़रूरत है। सईद कनी ने कहा कराची में नालों पर इमारतों का बनना किसी सूरत जायज़ नहीं। मुर्दा सवाहब का जल्द कराची में एमरजेंसी सर्विस 111। वफाकी हुकूमत ने कराची में पहला मंसूबा मुकम्मल कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत महमूदाबाद नाले की सफाई मुकम्मल। तकरीब से खिताब में असद उमर ने कहा पीपी और सिंध हुकूमत से सियासी इख्तलाफात थे, हैं और कल भी रहेंगे, मगर मसाइल के हल के लिए सियासी मुखालिफिन के साथ बैठना पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल आज सजेगा, इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। 1,26,00,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक रायदेही इस्तेमाल करेंगे। 9,223 पोलिंग स्टेशन में से 2,507 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार, फौज तैनात की जाएगी। डेरा इस्माइल खान में एएनपी उम्मीदवार उमर खिताब शेरानी कत्ल, सीट पर इलेक्शन मुलतवी। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के एक दूसरे पर इल्जाम। पीपी रहनुमा फैजल करीम कुंडी कहते हैं उमर खिताब की टारगेट किलिंग की गई है, ये जो नामालूम है सबको मालूम है कातिल कौन है। अलीमीन गंडापुर के जवाबी वार, कहा फैजल करीम कुंडी इल्जाम साबित करें वरना कोर्ट जाऊंगा। पाकिस्तान OIC की मेज़बानी करेगी, इस्लामी तावन तंजीम के वज़राए खारजा का गैर मामूली इजलास आज होगा। इफ्तिताही इजलास की सदारत वज़ीर खारजा करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, वज़ीर आज़म का OIC रुकन ममालिक के वफूद का खैर मकदम, कहा OIC इजलास अफगान अवाम से इजहार यकजहती की अलामत है। और BJP हुकूमत भारत और खित्ते के लिए खतरनाक है, खदशा है BJP हुकूमत की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग ना छिड़ जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को खबरदार कर दिया। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है, मुल्क की बदहाली के जिम्मेदार भुट्टो शरीफ खानदान है, दोनों ने वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।